जय वाल्मीकि साथियों, मैं दिनेश वाल्मीकि आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वाल्मीकि ज्ञान में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे आने वाली हर वीडियो का। जय भीम साथियों, आज जो लाइव हरियाणा में एक बहुत बड़ी घटना कुछ समय पहले हुई थी, ये पानीपत में बिंजल गांव है, बिंजल, जिसमें तीन बच्चों को, वहां एक फैक्ट्री थी, उन फैक्ट्री के वर्करों द्वारा उस मालिक की मिली भगत, वो कश्यप समाज के बच्चे थे, बहुजन समाज के बच्चे थे। साथियों, जिन लोगों ने उन बच्चों को मारा, उनके ऊपर कोई भी प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। जब वो परिवार के लोग उन बच्चों की लाशों को लेकर के हाईवे पे बैठे, उन्होंने उस परिवार के लोगों को धमकाया और कहा, अगर आप लोग प्रदर्शन करते हो, अरे आप रोड पे प्रदर्शन करोगे तो आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। साथ ही उनको डरा के धमका के उन बच्चों की लाशों को वहां से उठवा दिया गया और उनका संस्कार कर दिया गया। उसी बीच में थोड़े दिन बाद फिर एक सभा भी हुई थी वहां पर लोगों की, बहुजन समाज के लोगों की, जिसमें मैं मुख्य अतिथि के रूप में, और प्रशासन ने कुछ समय मांगा था लेकिन प्रशासन के द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर लोगों ने परेशान होकर के एक दिन बहुजन समाज के लोगों ने हाईवे को जाम करने का काम किया था। सारे लोग, हजारों की संख्या में लोग हाईवे पे आए थे, लेकिन पुलिस ने उल्टा उन लोगों पे लाठियां, डंडे और गोले, गैस के गोले इस्तेमाल किए, आपसे गैस के गोले छोड़े गए और लाठियां डंडों से उनको पीटा गया और उन लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए। खट्टर की सरकार है। तो अब इस आंदोलन को गति देने के लिए मैं पूरे बहुजन समाज के लोगों से, खासकर हरियाणा के लोगों से अपील करता हूँ कि इस पे हम लोग एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं सरकार के खिलाफ, और हम लोग बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा। मैं लगातार उन साथियों के संपर्क में हूं और उनसे बाबा हम सब लोग फिर आप सब लोगों के साथ बैठ करके और इस न्यायिक लड़ाई को संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। साथियों, पूरे देश में लॉकडाउन का बहाना ले लेकर के, अभी आपने देखा कैथल के गांव में कि नौजवान को मार दिया गया, कहीं कहीं पर जहां भी इनको मौका मिलता मनुवादियों को, ये हमारे लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। और अभी इन्होंने राम मंदिर का शिलान्यास किया है, हमें राम से दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ये लोग कहते हैं कि राम राज शुरू होगा और सब बुकों में सिर कुचले जाएंगे, तो हम लोग सब बुक की औलाद है। हम लोग इन निर्दयी लोगों से डरने वाले नहीं है, हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले हैं और हम लोग संविधान के दायरे में रह के अपने हक और अधिकारों के लिए प्रोटेस्ट करेंगे और आंदोलन करेंगे। जय भीम साथियों।